नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन पंचामिया ई लर्न मार्केट के डेस्क से आप लोग सबका स्वागत करता हूं। आया हूं फिर से मार्केटशाला का एक नया टॉपिक लेके। मेरे साथ है फाउंडर विवेक जी, जो सीए है, एमबीए है और आजकल नए अवतार में है एज अ टीवी प्रेजेंटर। विवेक जी, वेलकम टुडे फॉर दिस मार्केटशाला सीरीज। चेतन भाई, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रोल रिवर्सल कर रहे हैं। अभी आप अपना रोल इस तरह से निभा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि टफ वाला रोल मैं निभाऊं। अरे नहीं विवेक जी, आपकी लास्ट जो मार्केटशाला सीरीज के जो टॉपिक आपने डेरिवेटिव एनालिटिक्स का लिया था, लोगों ने उसे बहुत सराहा है। लोग बोल रहे हैं कि विवेक जी को हमको सुनना है, ये डिमांड आई है, तो ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये रोल रिवर्सल रखा गया है। राइट विवेक जी? विवेक जी, आज हम लोग बहुत ही बढ़िया टॉपिक चूज किए। आपको पता होगा महाभारत में दोस्तों अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया था लेकिन वो निकल नहीं पाया था। सिमिलरली अपने बाजार में आदमी एंट्री जरूर जल्दी कर लेता है लेकिन उसकी एग्जिट बहुत चैलेंजिंग रहती है। विवेक जी, तो आज अपने बात कर रहे हैं विवेक जी से एग्जिट, हाउ टू राइटफुली एग्जिट अ स्टॉक। विवेक जी, आपका ओपिनियन इसके बारे में। तो चेतन भाई, टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, और आपने एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया है कि अभिमन्यु घुस तो गया बट वो निकल नहीं पाया। और आप देखोगे शेयर बाजार के अंदर में जितने भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ट्रेडर्स होते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर आके उस स्टॉक में लोग उसको घुसा जरूर देते हैं बट घुसाते वक्त वो निकालने का फॉर्मूला नहीं देके जाते। करेक्ट विवेक जी, ये मैं डिस्कशन जितन भाई दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ओके, एक है कि जो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा है, अच्छा, वो कैसे निकले अपना पोजीशन से, सही बात है। दूसरा भाग है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, जिनके पास खबर आई कहीं ना कहीं से और उन्होंने अपना कैश मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस स्टॉक में जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया वो स्टॉक से एग्जिट कर लें। राइट, पहला भाग की बात करें, राइट, तो जब आप ट्रेड कर रहे हैं, तो जब आपने ट्रेड इनिशिएट किया है तो आप इस ऑब्जेक्टिव से ट्रेड कर रहे हैं, ओके, कि इतना रुपया मैं कमाऊंगा, अच्छा, तो कमाने के बाद उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। ओके, कभी भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप निकलने का माइंडसेट से ही ट्रेडिंग करते हैं, राइट, और उसके साथ में आपके पास एक स्टॉप लॉस होता है कि अगर मेरा नुकसान हो रहा होगा तो मेरा इतना स्टॉप लॉस तक मैं उस नुकसान को सहन कर सकता हूं और स्टॉप लॉस लगा के उस नुकसान से मैं एग्जिट करने का प्लान बनाता हूं। सही, तो व्हेन यू आर ट्रेडिंग आपका क्लियर कट प्लान है कि इतना ही आने का और इतना लगने का है। और टिपिकली अपने बोलते हैं कि 2:1 का रेशियो होना चाहिए कि दो आने को है और एक लगने को है, तभी हम वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो विवेक जी, मैं आपकी बात से यह समझा हूं कि एक ऊपर में होता है प्रॉफिट एग्जिट और नीचे होता है स्टॉप एग्जिट एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। तो एज अ ट्रेडर हमको क्या डिसाइड करना है, प्रॉफिट एग्जिट कहां करूंगा और स्टॉप एग्जिट कहां करूंगा। करेक्ट करेक्ट। तो एज अ ट्रेडर आप बता रहे हो कि ये रेशियो 2:1 का होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। विवेक जी, एज ए इंट्राडे ट्रेडर क्या ये पॉसिबल है 2:1 रेशियो आना? चेतन भाई, मैं ना इसके इस प्रश्न के आंसर के लिए लोगों को बोलूंगा कि चेतन भाई का एक वीडियो है जिन्होंने आपने बताया कि 30 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे सीखे। मैं आप सबको राय दूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखिए। और चेतन भाई, वो वीडियो में ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूअर्स होने वाले हैं। अच्छा, तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। तो ये प्रश्न का आंसर जो है वो आपने ऑलरेडी दे दिया है। okay. तो इसका आंसर मैं देने की गुंजाइश नहीं करूंगा, ये आप ही को आंसर देना है और आपने उस वीडियो में दे दिया है। ओके, राइट, ओके। आज का चर्चा नहीं ना, अपने इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग का बात ही नहीं करते हैं। चलिए, सही है, सही है, क्योंकि वो आपने ट्रेडिंग के इतने वीडियो हमको दे दिए और इतना अच्छा उसमें आपने पूरा नॉलेज दे दिया, वो भी फ्री, जिसका लोग 50,000 रुपया चार्ज करते हैं, आपने वो नॉलेज को इतना फ्रीली अवेलेबल कर दिया है। तो दोस्तों, मैं बोलूंगा अगर आपको ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे एग्जिट करना है या कैसे घुसना है और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, अगर कुछ भी सीखना है तो चेतन भाई के सारे ट्रेडिंग ओरिएंटेड वीडियो आप देख लीजिए। चलिए, तो विवेक जी, तो आज अपने इन्वेस्टर फोकस में चलते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इन्वेस्टर फोकस में पहली मेरे को ये, पहले आपने बताया कि ये मेरा स्टॉप लॉस नीचे का है, हाँ, ये मेरा एग्जिट है। करेक्ट, प्रॉफिट एग्जिट। तो मैं स्टॉक में घुसूं कैसे? तो चेतन भाई,
इन्वेस्टर जब आप हैं तो घुसाने के लिए तो बहुत लोग हैं आपके पास में, हर तरह से खबर आ रही है, टीवी पे कुछ लोग बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स बोल रहे हैं, आपके दोस्त बोल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के आप इतने पार्ट हो गए तो स्टॉक के नाम तो आते ही जा रहे हैं। ओके, इन्वेस्टर के पास में क्या स्टॉप लॉस नहीं होता है? ओके ओके, ये कंसेप्ट अपने को समझना पड़ेगा कि यू कैन नेवर एग्जिट एज अ स्टॉप लॉस। अच्छा, जब भी आप कोई स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं कैश मार्केट में डिलीवरी उठाने के, ओके, तब या तो उस स्टॉक के अंदर में आपने कुछ खुद ही होमवर्क किया है, ओके, और उस स्टॉक का एक थीम आपको पता है। ओके ओके विवेक जी, मेरे दर्शकों को ये आपने एकदम परफेक्ट बताया। अभी मेरे पड़ोसी ने मेरे को 4 टिप दी है। करेक्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे को किस में एंट्री लेनी है। करेक्ट, तो पहला टिप था रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरा मेरे को टिप मिला हिंदुस्तान लीवर, तीसरा मिला सन फार्मा, चौथा मेरे को मिला है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अब ये 4 में कैसे लूंगा आप मेरे को बताइए, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो मेरे को ये 4 टिप मिल गया। हाँ, तो मैं सबसे पहले इन चारों स्टॉक के अंदर में ये देखूंगा कि ये तेजी वाले घोड़े हैं ना मंदी वाले घोड़े हैं। बाय गॉड, ये तो विवेक जी 100% आपने जो पॉइंट बताया, तेजी या मंदी में कैसे निकालूंगा। हाँ, ये तो बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है, तो फ्री में चाह रहे हैं इसका आंसर मिल जाए। राइट, मैं चाह रहा हूँ फ्री में। चलिए, मार्केटशाला तो उसी का ही बात है कि फ्री करना अपने को सब कुछ। तो ये तेजी के घोड़े हैं कि मंदी के घोड़े हैं, ये कैसे जाने? करेक्ट, आपका दोस्त आपको लेने बोल दिया है। राइट, डेफिनेटली ये तेजी के घोड़े होंगे, क्योंकि आपका दोस्त अगर वो है राइट ट्रू में राइट, तो आपको तेजी का घोड़ा ही लेने बोलेगा। राइट राइट, मंदी का घोड़ा तो आपको लेने नहीं बोलेगा वो। तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें ये तेजी का घोड़ा है? इसका मतलब इसके अंदर में तेजी वाले लोग घुसे हुए हैं। ओके, तेजी तो वाले तेजी वाले लोग घुसे हुए, इसका मतलब ये स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो आपको बता देगा कि इसमें तेजड़िए घुसे हुए। अच्छा, कैसे बताएगा विवेक जी कि ये स्टॉक का प्राइस में मेरे को कैसे बताएगा? ये वाले क्वेश्चन दर्शक मेरे से पूछेंगे और आप दर्शक को ये आंसर करिए। देखिए, बहुत ही सिंपल एक पैरामीटर है। अच्छा, जो ये बताता है कि ये स्टॉक में तेजी वाले घुसे हुए कि मंदी वाले है, वो है 52 वीक हाई। 52 वीक हाई। अच्छा, अगर कोई स्टॉक पिछला एक साल का मूवमेंट में अच्छा तेजी का जोन में है, ओके, तो इसका मतलब उसमें तेजी वाले घुसे हुए हैं। अगर कोई स्टॉक अपना पिछले वीक का प्राइस मूवमेंट में मंदी के जोन में है, तो इसके मतलब उसमें मंदी वाले घुसे हुए हैं। तो विवेक जी, ये जोन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जैसे 52 वीक हाई आ गया, मैं समझ गया, तो भाव आपने बोला ये 52 वीक हाई है, ये कोई जोन है, तो ये जोन को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो? करेक्ट। तो चेतन भाई, हम लोगों ने मिलकर ये एक स्टडी किया था जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि कभी भी कोई स्टॉक अपना 52 वीक हाई के 15% के आसपास अगर वो है, तो इसका मतलब तेजी वालों के कंट्रोल में है। 52 हाई के 15%। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज कोई स्टॉक है जो 100 रुपया उसका 52 वीक हाई है, ओके, तो जब तक वो स्टॉक 85 रुपया और 100 रुपये के रेंज में है, इसका मतलब वो स्टॉक तेजी वालों के कंट्रोल में है। ओके, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्टॉक हर दिन नया हाई बनाता जाएगा। ओके, जब भी कोई नया हाई बनाता है, एक बार स्टॉक रिट्रेस करता है और फिर नया सिरा से नया हाई बनाने की तैयारी करता है। ओके विवेक जी, तो ये मेरे पास रिलायंस का चार्ट विवेक जी खुला हुआ है। रिलायंस का अगर आपने देख रहे हैं 52 वीक हाई अभी उसने बनाया था 4 दिन पहले, तो अगर मैं इसमें वहां पे वो वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वो वैल्यू है 1615। करेक्ट, मेरे पास कैलकुलेटर विवेक जी खुला हुआ है। ओके, अगर आप मैं कैलकुलेटर में अगर आप 15% बोल रहे हो, करेक्ट, तो मैं 1615 × 0.85। करेक्ट, राइट, 1615 दर्शकों 1615 × 0.85 एक वैल्यू निकलेगी। राइट, 1372। तो मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक अगर तेजी वालों के कंट्रोल में है तो ये 1372 तक नहीं जाएगा, या 1372 से थोड़ा नीचे जाके ये वापस अपना उस जोन के अंदर में रह जाएगा। करेक्ट विवेक जी, अगर मैं चार्ट में भी देखता हूँ विवेक जी, आपने एकदम सही पकड़ा है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन आ रहा है 1400 के लेवल पे और 1378 के लेवल में। करेक्ट करेक्ट, वाह, तो आपको तो डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करने की दिक्कत ही नहीं है। वेरी गुड विवेक जी, तो दर्शकों आप देख रहे क्या किया उन्होंने एज ए इन्वेस्टर। अब मेरे को पता चल गया कि मेरा स्टॉप लॉस जोन 1375 के नीचे है। करेक्ट, यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा है चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ। करेक्ट, अब वो मैं देख के जज कर पा रहा हूँ कि ये मेरा सपोर्ट जोन है। तो विवेक जी, अब ये वाले चार्ट में जब मेरे को मेरा स्टॉप लॉस पता चल गया, तो मेरे को एंट्री कहीं ना कहीं थोड़ी नीचे नीचे ही लेनी पड़ेगी,
देखिए एंट्री को आप टाइमिंग नहीं कर सकते हैं। ओके आज का रेट में जो रिलायंस का प्राइस है हो सकता है कि वो आज से नया हाई बनाता जाए। करेक्ट करेक्ट। तो एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब आप इतना डीप चार्ट नहीं करते हैं और जब आपका नेबर ने बोल दिया कि ये स्टॉक अच्छा है right. तब शायद आपको उसी समय उस स्टॉक को लेना होगा। यू कांट वेट फॉर दैट टाइम राइट अंटिल लेस आप थोड़ा चार्ट देख के थोड़ा जब स्टॉक नीचे कूल ऑफ करे करेक्ट तब आप शायद उसको बाइंग कर सकते हैं। तो डिलीवरी बेस काम तो आपको कभी भी करना पड़ेगा। समझ गया। तो विवेक जी यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि एक एरिया ऑफ सपोर्ट आई हुई है 1520-22 के आसपास तो आप उसका वेट कर सकते हैं। करेक्ट या तो आप वेट कर लीजिए okay. तो हो सकता है कि वो भाव आपके पास नहीं आए right. या जो भाव है उस भाव में आप ले लीजिए okay. बट आपको पता रहना चाहिए कि क्या भाव के नीचे गया तो मेरे को एक बार सौदा बेच देना है। चेतन okay. भाई एक बात बताइए आपको क्या पसंद है बैंक में पैसा कैसा लगता है आपको? विवेक जी मेरे को तो मुंह में पानी आ जाता है जब मैं पैसे के बारे में सुनता हूँ। जब आपके SMS जब फोन पे आता है ना कि हाँ। बैंक में इतना रुपया जमा हो गया right. तो उस समय आपका चेहरा का एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली बहुत ही खुशी होती है और वो खुशी का कोई मोल नहीं है। बेसिकली थ्योरी ये है कि कोई भी स्टॉक अगर अपना हाई जोन के नीचे चला जाए एक बार अपने को वो स्टॉक बेच देना है ओके और घर में पैसा ले आना है ओके बिकॉज घर में पैसा आया हुआ सबसे अच्छा है ओके फिर शांत दिमाग से मेडिटेट करते हुए 2 दिन लगाना है सोचना है कि भाई अब क्या फिर इस स्टॉक में एंटर करूं। बहुत हाई चांस है 10 में से 7 बार क्या होगा एक बार वो हाई जोन से निकल गया तो वो स्टॉक नीचे 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 आपको मिलेगा। अच्छा अब आपका प्रश्न हो सकता है चेतन भाई कि जो स्टॉक नीचे जा रहा है उसमें लेने का अपॉर्चुनिटी कब ढूंढूं? राइट तो विवेक जी मेरा मैं उसमें पहले नहीं आऊंगा मैं पहले आऊंगा विवेक जी अभी ये जो 4 स्टॉक है ये तो मेरे को 4 स्टॉक ऐसे बताया right. क्या आपके पास कोई फिल्टर या पैरामीटर है जिससे टूल है या स्कैनर है जिससे मेरे को ये सारे स्टॉक्स मिल सके? करेक्ट तो चेतन भाई हमने स्टॉकेज तो बनाई है अच्छा और जो हमको समझ में आता है जितना हमारा एक स्किल सेट है वो सब हमने स्टॉकेज में डाल दिया है ओके तो स्टॉकेज के अंदर में एक टूल है जिसके अंदर में स्कैन्स है ओके ये देखिए ये स्कैन में अगर मैं जाऊं तो इसमें प्राइस स्कैन में अगर जाऊं तो यहाँ पर आप देखो 52 ब्रेकआउट स्कैन बोल के कैटेगरी ऑफ स्कैन है ओके दर्शकों मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ स्कैन्स में जाऊंगा स्टॉकेज में जाऊंगा स्कैन्स में जाऊंगा प्राइस स्कैन्स में जाऊंगा प्राइस स्कैन्स के बाद में 52 वीक वाले प्राइस स्कैन्स में जाऊंगा उसमें विवेक जी क्या करना है? उसमें अपने पास वेरियस कैटेगरी ऑफ स्कैन्स ओके तो जिसमें एक स्कैन है क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई ओके क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक लो ओके तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं स्टॉक्स जो अपना 52 वीक हाई जोन को क्रॉस कर रहे हैं तो जब मैं इसमें क्लिक किया ओके तो मुझे स्टॉक्स मिल गए जो कि आज की रेट में कोई भी स्टॉक्स नहीं है मेजर स्टॉक्स में ओके ठीक है। अगर मैं वेब वापस गया क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक लो इसको क्लिक किया तो हमने देखा इतने सारे स्टॉक्स है जो अपना 52 वीक लो जोन को क्रॉस कर रहे हैं ओके तो विवेक जी आपने 52 वीक हाई जोन के बारे में बताया मेरे को कि उसमें बाइंग चल रही है इसके कारण बायर का एक्साइटमेंट है वो प्राइस का उसका लेने का और उसको एप्रिसिएशन लग रहा है करेक्ट तो 52 वीक लो का क्या बताएंगे आप? 52 लो मतलब वही उल्टा बात होगी कि मंदी वाले जो लोग हैं उसमें पोजीशन बना के बैठे हैं वहां बायर नहीं है अभी उस स्टॉक के अंदर में तो अगर आप 52 वीक लो स्टॉक में पैसा डालेंगे जो कि एक नॉर्मल आदमी के मुंह में पानी आ जाता है राइट कि टाटा मोटर तो 160-170 में मिल रहा है ले लो ओके तो जब वो 450 से गिर रहा था तब सबके मुंह में पानी आ रहा था कि 350 बहुत सस्ता तो, हो गया तो विवेक जी ने एक बार टाटा मोटर का चार्ट देखते जो आप बताना चाह रहे हो करेक्ट तो ये सिंस आप जो बताना चाह रहे हो तो टाटा मोटर का चार्ट आप पिछले 2 साल का देखिए राइट तो अपने 2 साल का आप बता रहे हो तो मैं इसको ले चलता हूं वीकली चार्ट में करेक्ट तो मैं इसको माय गॉड दर्शकों विवेक जी जो बोल रहे एकदम सही है। देखिए जो उसमें सेलिंग आ रही है जब तक वो बढ़ नहीं पा रहा है वो नीचे पे नीचे जाया जा रहा है। ये एक इतना बड़ा पावरफुल टूल हो सकता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए कि अगर स्टॉक 52 वीक लो जोन में ट्रेड कर रहा है तो
तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो सस्ता क्यों है, कोई ना कोई रीजन है जिसके कारण वो सस्ता है। अच्छा, लेकिन कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो बॉटम में खरीदने में बिलीव करते हैं, ओके, जिसको कॉन्ट्रेरियन थ्योरी बोलते हैं, ओके, कि जो सस्ता ही चीज ढूंढते हैं लेकिन उनमें वैल्यू होगा तब मैं उसमें पैसा डालूंगा, ओके, राइट? ओके, तो वो कॉन्ट्रेरियन थ्योरी का फंडामेंटल एनालिसिस करना एक अलग आर्ट है। अच्छा। जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर ओके एक स्टॉक में उतना डीप नहीं जाता है, ओके, वो एक स्टॉक के प्राइस पे ज्यादा बिलीव करता है, ओके, अगर आपको कॉन्ट्रेरियन प्ले करना है, मतलब टाटा मोटर अगर 160 में खरीदना है तो उसमें आपको वैल्यू ढूंढना होगा, ओके, वो वैल्यू ढूंढने के लिए आपको डीप ड्राइव करना पड़ेगा, डीप रिसर्च करना पड़ेगा, तब आपके अंदर में एक बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता आ पाएगी कि हाँ 160 में टाटा मोटर मेरे को सस्ता लग रहा है, ओके, ओके, तो वो विवेक जी अगर मेरे पास वो फंडामेंटल नॉलेज नहीं हो तो क्या मेरे को स्टॉकेज वो कुछ प्रोवाइड कर सकता है ऐसा टूल जिससे मैं उसमें डिसीजन ले सकूं कि टाटा मोटर्स अब मेरे को ठीक लग रहा है? देखिए टाटा मोटर स्पेसिफिक टूल अगर आप देखो कि अगर मैं उस स्पेसिफिक स्टॉक में जाऊं okay. कि मेरे को कब इसके अंदर में बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, ओके, तो आपको उसके फंडामेंटल पैरामीटर्स भी स्टडी करने होंगे, ओके, आपको उसके डिलीवरी को भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि जैसा कि अपने पहले हमेशा बोलते हैं ना कि एक ऑपरेटर है, ओके, तो हो सकता है कि ऑपरेटर नीचे के भाव पे ले रहा हो, तो okay. ये सारा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आप जब भी कोई भी स्टॉक में जाओगे, जैसे टाटा मोटर में मैं गया तो टाटा मोटर में जब आप जाओगे तो वहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कैंस, ओके, अगर स्कैंस में जाओगे तो वो पिक्टोरली आपको बता रहा है okay. कि टाटा मोटर के अंदर में टेक्निकली क्या क्या अभी हो रहा है। अच्छा। जैसे अगर आप देखो ये स्कैन है क्लोज बिलो प्रीवियस लो, मतलब ये प्रीवियस लो के नीचे क्लोज कर रहा है, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स फॉर 1 वीक और 3 मंथ, मतलब ये प्राइस रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में इसमें किसी का बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, ओके, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इंडेक्स, मतलब पूरा सेक्टर को ये आउट परफॉर्म कर रहा है, क्लोज नियर 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपके एक स्टॉक का स्ट्रेंथ शायद सपोर्ट लेवल आ जाए उसका स्ट्रेंथ को दर्शाता है, क्लोज क्रॉसिंग 200 डे मूविंग एवरेज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्रॉम अबव, इसका मतलब एक बार वो 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ रहा है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्निकल प्राइस पैरामीटर्स के हैं, और अगर आप फंडामेंटल में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या कंपनी के अंदर में एबिटा ग्रोथ हो रहा है, क्या कंपनी अभी लेवरेज को कम कर रही है, क्या करंट रेशियो कंपनी का इंप्रूव हुआ है, तो ये सारा डेटा में एक्चुअली आपको घुसना पड़ेगा, ओके, अगर आपको कॉन्ट्रेरियन कॉल लेनी है तो, ओके, तो विवेक जी एक बार आप अगर टेक्निकल स्कैन्स में जाओगे, हाँ हाँ, तो उसमें मेरे को मैंने एक चीज नोटिस किया, ना ये स्टॉक 52 वीक हाई जोन में है, राइट, ना ये स्टॉक 52 वीक लो जोन में, करेक्ट, तो आपने क्या ये बोल सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक बहुत बड़ा पीरियड 52 वीक लो जोन से है right. और निकल के वापस 52 वीक लो जोन में नहीं घुस रहा है, करेक्ट, और बाकी पैरामीटर्स आ रहे हैं, करेक्ट, आउट परफॉर्मेंस आ रहा है, तो ये स्टॉक बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, अगर वो अपने लो जोन से निकल गया है और काफी टाइम तक वहां पर रुका हुआ है और उसमें थोड़ी डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी भी हो रही है, प्लस ये स्टॉक अपने बाकी बेंचमार्क इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब नीचे के लेवल पे ऑपरेटर ने माल ले लिया है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ टाटा मोटर्स ने बहुत सारे दिन हो गए 2-3 महीने से ये 15% के ऊपर चल रहा है, right. और ये सस्टेन कर रहा है 150 और 175 के एक जोन में, करेक्ट, So, कहीं ना कहीं प्रमोटर की भी इसकी बाइंग है, तो कहीं ना कहीं अपने बोल सकते हैं अगर ये 150 सस्टेन करता है, करेक्ट, तो ये ऊपर 185 के ऊपर आपको 230 मिल सकता है, मिल सकता है, समझ गया, 230 भी मिल सकता है, 400 भी मिल सकता है, समझ गया, पॉइंट ये है कि 230 मिलने पे आपको बेचना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि ये 52 वीक हाई जोन में आ जाएगा, वो जब हाई जोन में आ गया तब ये स्टॉक अगर 400 हो जाएगा तो आपको चिंता का दरकार ही नहीं है, बिकॉज वो हाई जोन आपको अपने आप ही प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बेचने के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, समझ गया। मित्रों एक चीज समझिए कि विवेक जी जो बताना चाह रहे हैं कि एक उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया है जिसको अपने बोल सकते हैं ट्रेंड इज माय फ्रेंड, 52 वीक हाई और 52 वीक लो, तो उसने एक लाइन खींची है 15% 52 वीक हाई के नीचे जिसको वो बुल जोन बता रहे हैं और नीचे एक 52 वीक लो प्लस 15% जिसको एक बेयर जोन बता रहे हैं, उस जोन में विवेक जी बता रहे हैं अगर आप लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक मत करिए, प्रॉफिट बढ़ सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्टॉक है जो 52 वीक लो जोन में है, प्लीज वो स्टॉक को एटलीस्ट ऐड मत करिए नीचे, करेक्ट, करेक्ट, जब तक वो निकल नहीं जाता
उसमें बाइंग नहीं दिख रही है, और विवेक जी ने बहुत सारे फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स जो बताया है वो सब नहीं आ रहा, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था विवेक जी, आपने बताया एक स्टॉक के बारे में एज अ इन्वेस्टर, करेक्ट, स्टॉक सिलेक्शन का बताया, करेक्ट। अब मेरे को विवेक जी बताए, तो आप प्रॉफिट बुक क्या हमेशा वेट ही करते रहेंगे या कुछ पार्शियल बुकिंग भी करेंगे? बिकॉज आदमी के पास, आपने खुद ही बताया कि मैं जब होल्ड कर रहा हूं कुछ, घर में कुछ तो पैसे आने चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हो? चेतन भाई, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना सरप्लस कैपिटल को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, राइट? और आपका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास का नेचर ही वही है कि वो हमेशा ऊपर ग्रो करना चाहिए, अगर एवरीथिंग इज सेम, ओके, तो आप निकलने का नहीं सोचते हैं। अच्छा। इट इज एज गुड एज यू आर डूइंग अ बिजनेस, ओके, तो कभी भी आदमी बिजनेस से एग्जिट करने का नहीं सोचता है, अगर वो बिजनेस अच्छा कर रहा है तो, ओके, तो ये 52 वीक हाई जोन आपको ये बताता है कि ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, ओके, रादर देन आई डूइंग अ डीप रिसर्च, फंडामेंटल करूं, एक एक कंपनी का जाके उसका बैलेंस शीट स्टडी करूं, एक एक डीलर उस कंपनी का क्या है उससे जाके बात करूं कि भैया कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, right. हमने भाव के ऊपर रिलाय कर लिया, okay. हमने बोला अगर भाव बोल रहा है कि ये 52 वीक हाई जोन में है, इसका मतलब कंपनी अच्छा कर रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोग ये रिसर्च करके बैठे हैं, इसीलिए तो उसको हाई जोन में रखे हुए हैं। ओके विवेक जी, तो विवेक जी ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। विवेक जी आप और एक एग्जांपल बता पाएंगे वो 52 वीक हाई जोन आपके अपने स्कैनर से? चलिए एक अपने पकड़ते हैं, स्कैन में गए, एक हाई और एक लो, दोनों का एक एक एग्जांपल। चलिए तो लेट्स गो टू अ स्कैनर, 52 वीक ब्रेकआउट, वेरी गुड। अब अपने देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो अभी 52 वीक हाई जोन में आया है। ओके ओके, इसके पहले हमने देखा था जो 52 वीक हाई जोन में ट्रेड कर रहा है, राइट, जो नया हाई बना रहा है, ओके। हमारे पास ये भी स्कैन है जो बताता है अभी जो आया है, मतलब लो जोन से निकल के न्यूट्रल जोन से आके वो अभी हाई जोन में घुसा है, नया कौन सा स्टॉक है? हाँ, तो जस्ट एंटरिंग 52 वीक हाई जोन, ये देखिए ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी आपको कितने अच्छे से बता रहा है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, तो उसको स्टडी किया जाए विवेक, अब देखिए ये प्रोसेस कितना अच्छा आपने सेट कर दिया, राइट, कि स्टॉकेज से स्कैन करिए, स्टॉक जब आएगा तो फिर उसमें जाइए और चार्ट के अंदर में स्टडी करिए कि ये चार्ट भी ये बात बोल रहा है क्या जो स्टॉकेज बोलने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड विवेक जी, तो दर्शकों अपने चार्ट खोल लिए हैं, अब ये चार्ट आ गया वीकली चार्ट, ब्यूटीफुल चार्ट, ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है। तो अब अपने क्या कर रहे हैं, एक अगर मैं 52 वीक हाई जो है जो बनाया था, मैं आपको बताता हूँ 52 वीक हाई इसका क्या है, हमारे स्टॉकेज के अंदर में अगर आप टेक्निकल में जाओगे लेवल्स में, ओके, वहाँ 52 वीक को क्लिक करोगे, हाँ, तो 52 वीक हाई है इसका 44.35 रुपया 44.35, और 52 वीक लो है 23, ये रहा मित्रों 44.35 का लेवल है, करेक्ट, राइट। और अब अपने एज जो विवेक जी ने बोला कि ये कल इस रेंज में वापस घुसा है, करेक्ट, तो यहां से अगर इस रेंज में घुस के सस्टेन करता है, करेक्ट, तो और ये ऊपर की तरफ जा सकता है, करेक्ट, राइट, वेरी गुड। स्टॉक अगर अपने को पता लगा स्टॉकेज के थ्रू तो अपने को बाय एज अ बायसनेस आना चाहिए बाई करने का, राइट, यही सपोज हमको किसी दोस्त के थ्रू पता लगता तो मैं जिंदल स्टील में जाता, स्कैन में जाता, टेक्निकल में जाता और देखता कि अरे ये 52 वीक हाई जोन में, बहुत अच्छी बात है, राइट, तब फिर शायद आप बाई करने का एक मन बनाते। समझ गया, तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख रहा हूँ कंसोलिडेट हो रहा है, घुस रहा है, निकल रहा है, अगर अब मैं वापस देख रहा हूँ 41 रुपया के ऊपर सीधा इसका 44 का टारगेट आ रहा है, ब्यूटिफुल विवेक जी। तो दोस्तों ये अपने को पता चल रहा है कि मेरे को कौन से स्टॉक में बाइंग करनी है, करेक्ट करेक्ट, जो स्टॉक 52 वीक जोन में ट्रेड कर रहा है उसमें मैं बाई करूंगा। विवेक जी कोई मेरे को सेल का बताइएगा। हाँ, तो चलिए अपने उस स्टॉक में जाते हैं जो कि 52 वीक लो जोन में आया, चलिए उसकी बात करते हैं। तो क्लोज एंटरिंग 52 वीक लो जोन, वेरी गुड, मैंने इसमें एंटर किया तो ये सारे स्टॉक्स आए हैं, ओके, भेल, भेल, ओके, सो भेल के अंदर में मैं गया, टेक्निकल में लेवल्स में गया, तो ये स्टॉक का 52 वीक हाई है 78.85, ओके, 52 वीक लो है 41.30, राइट, तो उसने 41 बनाया था अभी लास्ट मंथ, वहां से शार्प बाइंग आई थी, right. वापस अभी सेलिंग चालू हो गई है 52 के नीचे, राइट, तो मैं देख पा रहा हूँ, तो क्लियरली 52 का रेजिस्टेंस और नीचे 41 का
लास्ट 52 वीक लो है, तो अगर ये 52 क्रॉस नहीं कर रहा तो ये नीचे का लेवल ये चला जाएगा। लेकिन मैं एक वार्निंग दे देता हूं चेतन भाई कि हमको कभी भी ये देख के शॉर्ट नहीं करना है। ओके, तो दर्शकों प्लीज ये पॉइंट को समझिए, आपके पास अगर शेयर नहीं हो तो ये शॉर्ट नहीं करना विवेक भाई। ये जो भी स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं ये डिलीवरी लेने की स्ट्रेटजी है, क्योंकि स्टॉक में शॉर्ट करना काफी रिस्की हो सकता है, स्पेशली जो बहुत नॉलेजेबल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर में, हो सकता है उनके पास में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसके कारण वो नीचे एक्युमुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल शॉर्ट कर लेंगे तो आपका वो जो स्टॉक है वो काफी सस्ते में बिक जाएगा, या आप शॉर्ट अगर ब्लैंक कर दिए, फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दिए, तो फिर हो सकता है आपके बहुत पैसे लग जाए। तो ये स्ट्रैटेजी कैश लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी के रूप में ही मानिए। सो मैं समझ गया, इन्वेस्टर आपका अगर इन्वेस्टिंग व्यू है तो आप उसमें ध्यान रखिए, अवॉइड बीइंग इन स्टॉक्स जो 52 वीक लो जोन में है, एंड ट्राई टू एंटर स्टॉक्स विच आर इनटू 52 वीक हाई जोन। करेक्ट। तो विवेक जी, चेतन भाई एक और मैं मंत्रा देता हूँ सक्सेस होने का इसमें। अभी तो अपन लोगों ने स्कैनर से निकाला कि कौन कौन से स्टॉक में आप ये काम कर सकते हैं। राइट। जो बेस्ट तरीका है मार्केट में काम करने का वो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका क्या है। कि चेतन भाई, हम लोग सब के जीवन में कुछ न कुछ स्टॉक्स एसोसिएटेड है। अच्छा। चाहे हम उस किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे कोई कंपनी हमारा प्रोडक्ट का क्लाइंट है, चाहे हम कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। मेरा एक तरीका है काम करने का, वो है कि आप अपना खुद का वॉचलिस्ट बनाइए। ओके। और उन्हीं स्टॉक्स को उस वॉचलिस्ट में डालिए जो स्टॉक के बारे में आप कुछ जानते हो थोड़ा बहुत। ओके। ठीक है, तो जैसे आप माई स्टॉकेज में गए, ओके, माई वॉचलिस्ट में गए, ओके, और वहां पर आपने एक अपना वॉचलिस्ट बनाया। जैसे मैंने अपना एक प्राइमरी वॉचलिस्ट बना रखा है, तो मेरे पास वो कंपनी है जिनको मैं जानता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इन्हीं कंपनी में काम करना चाहिए। ओके। ये मैं बात कर रहा हूँ वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर लोग के बारे में जो कि मार्केट में पार्ट टाइम थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहते हैं या मार्केट से सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं, समझ जो मार्केट में खेलने के लिए नहीं आए। समझ गया। तो आप स्टॉक्स यहां पर ऐड करिए जो आपके स्टॉक है जिनके बिजनेस के बारे में आप समझते हो। जब आप इस वॉचलिस्ट में स्कैन में जाएंगे, ओके, और जब आप स्कैन में देखेंगे तो ये इतने सारे स्कैन्स जो है वो इस स्टॉक में सेटिस्फाई हुआ है वो आपके सामने आएगा। जो जो स्टॉक्स वॉचलिस्ट के अंदर में, उन स्टॉक्स में क्या क्या स्कैन सेटिस्फाई हो रहा है उसका लिस्ट यहाँ पर सामने आएगा। ओके। जैसे इसके अंदर में अनफॉर्चुनेटली मेरे स्टॉक्स में कोई स्कैन नहीं आया अभी। ओके। फंडामेंटल के अंदर में देखे तो इतने सारे स्कैन्स आ रहे हैं। ठीक है, स्टॉकेज में एक फीचर है माई स्कैन्स, ओके, जिसमें आप इतने सारे स्कैन्स में से भी कुछ स्कैन्स को फेवरेट मार्क कर सकते हैं। ओके। मैं चाहूंगा कि आप 52 वीक हाई स्कैन्स को फेवरेट मार्क कर दीजिए। ओके। फेवरेट मार्क आप कैसे करते हैं, जब आप किस स्कैन्स में जाते हैं और किसी भी स्कैन के अंदर में जाते हैं तो यहाँ स्टार नजर आएगा आपको। ओके। आप उस स्टार को दबा दो, ओके, तो आपका फेवरेट स्कैन हो गया। ओके। अब जब आप उस वॉचलिस्ट में जाओगे, ओके, तो यहां पर स्कैन में जब आप जाओगे तो ये माई स्कैन्स में वही स्कैन्स दिखाएगा जो स्कैन आपका फेवरेट है। ओके। अब आप देखिए यहां पर जो मेरे पास कंपनीज है, ओके, उन कंपनीज के अंदर में मेरे को पिक्टोरियल दिख रहा है, ओके, कि कौन कौन से स्टॉक्स है 52 वीक हाई जोन में है, राइट, और कौन कौन से स्टॉक है 52 वीक लो जोन में। समझ गया। मुझे क्या करना है, मुझे हाई जोन का स्टॉक को लेके काम करना है और लो जोन के स्टॉक को मेरे को बेच के काम करना है। समझ गया विवेक जी। इससे सिंपल हो सकता है? नहीं। वो भी फ्री? बहुत ही बढ़िया। ये सारा फीचर दोस्तों स्टॉकेज के अंदर में फ्री है। विवेक जी आपने आज एक आई ओपनर सेशन रखा है फॉर अ इन्वेस्टर, बिकॉज अभी तक अपने ट्रेडर को कवर कर रहे थे और अपने इन्वेस्टर प्रोफाइल को निग्लेक्ट किए हैं। तो दोस्तों मैं उसके लिए अपॉलॉजी चाहता हूं। तो अब अपने ट्राई करेंगे कि एक इन्वेस्टर प्रोफाइल सीरीज अपने चलाए जहां पे अपने इन्वेस्टर्स के बारे में डू एंड डोंट्स को कवर करें। करेक्ट। तो विवेक जी थैंक यू, आज आपने बहुत ही एग्जॉस्टिव सेशन दिया है और बहुत ही बढ़िया था। मेरे लिए पर्सनली भी एक रिविजन हो गया, क्योंकि हम लोग ने विवेक जी बहुत पहले एक इन्वेस्टर सीरीज चालू की थी, द विनिंग स्टॉक आइडियाज, तो उसमें ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था। Correct. तो आज एक रिविजन भी हो गया और पुराने दिनों भी याद आ गए। और आपको याद होगा कि जब अपन लोगों ने 2 साल पहले ये सीरीज चालू की थी तो सबसे पहले स्कैन में आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज 870 रुपए। हाँ जी, आया था सर, आया और था। तब से हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज को होल्ड करके बैठे हैं विद अ थीम इन माइंड कि क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज थीम वाइज अच्छा है और क्योंकि वो 52 वीक हाई जोन में है तो इसको बेचने का कोई रीजन ही नहीं। समझ गया, समझ गया।
तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए ऑन दिस नोट मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और हमारा वीडियो हर फ्राइडे आता है तो फ्राइडे ज़रूर वेट करिएगा। और मैं एक चीज़ देखता हूँ कि दर्शकों वीडियो देखने के पहले या एक बार वीडियो देखने के पहले हम लोग को परख लेते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है। आप लोग को परखने का पूरा अधिकार है दोस्तों, लेकिन पहले हमें समझ लीजिए। हम कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हैं, हम एक सिंपल टीचर्स हैं जो टीचिंग कॉन्सेप्ट को लेके आगे आ रहे हैं। ना हम लोग ये बोलते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर जैसे आपको बैटिंग करवाएंगे, राइट। आप परखिए, हमको ज़रूरत ज़रूरी है, लेकिन पहले समझिए जो हम समझाना चाह रहे हैं। ऑन दैट नोट थैंक यू ऑल एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट मार्केट शाला सीरीज। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।